नमस्कार दोस्तों, वी नेचर चैनल पर मैं आराधना गौतम आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं पर काम नहीं हो रहा है, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ कर लिया है, बहुत सारी उपाय कर लिए, टोटके कर लिए, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। अगर आज जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, जो टोटका बता रही हूँ, इसको आप कर लेते हैं तो आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। सिर्फ एक बार इस उपाय को आपको करना है और फिर आपको देखना है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए पूरा देखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकॉन है उसे भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं अपने चैनल पर आप लोगों के लिए डेली लाइफ के कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेकर आती रहती हूँ, कई सारे टोटके उपाय, वास्तु दोष निवारण और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। या दोस्तों, तो ये जो मैं आपको टोटका बता रही हूँ ये आपको करना है सोमवार के दिन, ठीक है। सोमवार के दिन करें या फिर आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं। महीने में दो बार प्रदोष का दिन आता है, ठीक है, ग्यारस के बाद में आता है प्रदोष, तो आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप इसे सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा कि आप प्रदोष के दिन करें, ठीक है। तो प्रदोष के दिन आपको इस उपाय को करना है। कैसे करना है? प्रदोष के दिन आपको जाना है, आपको जाना है महादेव के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर जाना है। साथ में आपको ले जाना है एक लोटे में जल, और साथ में उसमें जल में आपको डालना है खड़े मूंग, ठीक है। इतने के लगभग आप खड़े मूंग डाल लें, इतने आप खड़े चावल डाल लें, ठीक है। खड़े चावल से मतलब है सारे चावल के दाने पूरे होना चाहिए, एक भी चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक लोटा जल लेना है, जल कोई सा भी ले सकते हैं, बस शुद्ध जल लेना है। शुद्ध जल से यहाँ पर मतलब है ताज़ा पानी आप ले लें। लोटे में तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे में ताज़ा पानी आप ले लें, उसमें आपको इतने डालना है खड़े मूंग, ठीक है। लगभग इतने, एक चम्मच के करीब कह सकते हैं खड़े मूंग, जो हरे मूंग होते हैं खड़े वाले वो डाल लें, और साथ में आप डाल लें एक चम्मच चावल, खड़े हुए चावल, ठीक है, खड़े चावल ये डाल लें। अब आपको जाना है भोलेनाथ के मंदिर, और भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है उस पर आपको ये चढ़ाना है, ठीक है। शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ाते समय आपको मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। आप चाहें तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। दोनों में से कोई सा भी एक मंत्र आप अपने मन ही मन में कम से कम 51 बार बोलेंगे, ठीक है, कम से कम 51 बार। याद रखना है कि ये जब हम उपाय कर रहे हैं तो मन में पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास रख के आपको इस उपाय को करना है। करने के बाद में मन में जब मंत्र जाप करने के बाद में आप ये पूरा जल उस पर चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद में आपको अपनी मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो परेशानी है, जो उलझन है, वो आपको भोलेनाथ के सामने कहना है, और कहना है कि अब आप ही इसे पार लगाएंगे, आप ही इस इच्छा को पूरी करेंगे, और कह के आप घर आ जाएं। बस आपको विश्वास रखना है, पूरा विश्वास रखें, आपका काम जरूर होगा। ये जो टोटका है, ये जो उपाय है, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत लोगों के लिए सिद्ध साबित हुआ है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप इसे कीजिएगा ज़रूर। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ आपको परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं वहाँ आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।